देखो, जैसा कि आपको पता है कि आज वकांडा फॉरएवर मूवी को रिलीज हुए 2 दिन पूरा हो चुका है और थर्ड डे रनिंग में चल रहा है। ये मूवी अच्छा खासा कमाई करती हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि आज अच्छी खासी कमाई करे, क्योंकि आज हॉलीडे है तो हो सकता है कि जनता थिएटर्स पर ज्यादा जाए और ये मूवी अच्छा खासा कमाई करे। और आपको ये तो पता होगा ही कि ये 2018 की ब्लैक पैंथर मूवी का ही सीक्वल है, जिसे जनता का बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है। खासकर सर चैडविक बॉसमैन की डेथ को ट्रिब्यूट इतना अच्छा दिखाने के कारण इस मूवी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस मूवी का बजट रियान कोगलर के डायरेक्शन में लगभग 200 से 250 मिलियन डॉलर का था। इसको लगभग पूरी दुनिया में 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इसके थिएटर राइट्स को लगभग 130 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और इसने 2 दिन में ही 26 मिलियन की कमाई के साथ ब्लैक एडम मूवी को फर्स्ट डे ओपनिंग में पीछे छोड़ करके हिस्टोरिकल ओपनिंग किए है और ऑडियंस को सर चैडविक बॉसमैन के बाद सूरी का इस कैरेक्टर को कंटिन्यू करना बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और यदि इसी तरह से जितना प्यार इस मूवी को मिल रहा है मिलता रहेगा तो उसे देख करके लग रहा है कि ये आज लगभग अपना 350 मिलियन का आंकड़ा पूरा कर देगी और ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो सकती है। वैसे तो इसने काफी सारी मूवीज को कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ा है और लग रहा है कि ये कलेक्शन के मामले में सबको पीछे छोड़ करके एक नया इतिहास बनाएगी।